Hey, hello guys, welcome back to my channel. So guys, आ गए हम अगले वीडियो लेकर. So now अभी तक जो है हमारे चैनल पे 3 वीडियोस अपलोड हो चुकी है, जिसके अंदर हमने सबसे पहली वीडियो थी जिसके अंदर हमने आर्ट मटेरियल्स के ऊपर बात करी. दूसरी वीडियो हमारी स्ट्रेट लाइन बेसिक लाइन प्रैक्टिस के ऊपर थी. एंड थर्ड वीडियो हमारी जो थी वो कर्व लाइन के ऊपर थी. सो गाइज, नाउ आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं शेप प्रैक्टिस के बारे में. सो गाइज, आई होप आप सब जो है जो हमने वीडियोस अभी तक अपलोड कर दिया, जिसने भी देख लिया वो प्रैक्टिस करनी चालू कर दियो, क्या प्रैक्टिस कर रहे होंगे. सो नाउ गाइज, अब जो है हम अगली वीडियो की तरफ चलेंगे एंड हम उससे अगले स्टेप में बात करने वाले हैं. सो अभी तक आपको इतना टाइम मिल गया था, कोई वीडियो नहीं अपलोड हुई, तो उस टाइम ड्यूरेशन में आपने वो लाइन प्रैक्टिस कर ली होगी. सो नाउ अब जो है आपको करनी है शेप प्रैक्टिस के ऊपर. सो ये वाली जो स्ट्रेट लाइंस और कर्व लाइन जो भी प्रैक्टिस थी वो आपको डेली करनी ही है. एक टाइम निकाल के मैंने पहले ही बता दिया था कि आप अपना डेली रूटीन में से 1 से 1.5 आवर निकाल के और डेली प्रैक्टिस करोगे. सो नाउ अब जो है नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलेंगे शेप प्रैक्टिस. तो आज हम बात करने वाले हैं शेप प्रैक्टिस कैसे करनी है, जो कि हम 3D 2D शेप्स के बारे में बात करेंगे एंड और आपकी इसके अंदर हम जो है ऑब्जर्वेशन पावर को तेज करेंगे. सो गाइज, हमको पता है कि जब हम ड्रॉ करते हैं सो हमारी ऑब्जर्वेशन जो पावर होती है वो अच्छी होनी चाहिए. हम ऑब्जर्व अच्छे से कर पाएँ ड्राइंग को और फिर हम जो है ड्रॉ कर पाएँ. सो कई बार हमारी बहुत सारी मिस्टेक्स होती है, वो क्या मिस्टेक्स रहती है सो वो हम ड्रॉ कर आज जो है प्रैक्टिस करेंगे. एंड दूसरा हम प्रैक्टिस करने वाले हैं इसी के अंदर लाइन ऑब्जर्वेशन के ऊपर भी. अभी तक जस्ट हमने प्रैक्टिस करी है, एक दो एक्सरसाइज मैंने बता दी थी ऑब्जर्वेशन के ऊपर. नाउ इस वीडियो में हम जो है अच्छे से प्रैक्टिस शेप्स के ऊपर फिर ऑब्जर्वेशन के ऊपर बात करने वाले हैं एंड वॉल्यूम के ऊपर बात करेंगे थोड़ा सा. सो जल्दी चलते हैं, स्टार्ट करते हैं हमारी प्रैक्टिस. सो हेलो गाइस, यहाँ पे हम लोग बात करेंगे शेप्स प्रैक्टिस के बारे में. जैसे कि अभी मैंने बताया था कि हम शेप्स प्रैक्टिस 2D एंड 3D शेप्स के बारे में बात करेंगे. बट सबसे मेन जो बात होती है यहाँ पे, हम जो भी इमेज को देखते हैं, ठीक है, कुछ भी अगर हम स्टिल लाइफ कर रहे हैं या फिर हम कुछ भी इमेज देख रहे हैं, रियल इमेज को देख रहे होंगे फोटोज़ में, सो हम क्या कोशिश करते हैं कि हम एज इट इज़ उसको 3D अगर हम देख रहे हैं ना, सो हम उसको सिर्फ 3D के वे में देखते हैं, ठीक है. अब सपोज दैट ये ग्लास है, ठीक है, अगर हम इसे ड्रॉ करना होगा सो हम क्या करेंगे, हम इसको 3D की शेप में ही देखेंगे कि यहाँ से राउंड जा रहा है, ठीक है. और अगर हमारा ऐसा हो जैसे ये सपोज दैट अभी ये जो सर्कल दिख रहा है आपको, ठीक है, ये वाला सर्कल, सो हम क्या करेंगे इसके राउंड बना के पूरा कोशिश करेंगे कि 3D वे आए, हम पूरा अच्छे से राउंड बनाने, हम लोग क्या करने लग जाते हैं, हम लोग परफेक्शन में चले जाते हैं एकदम, ठीक है. अगर हम कोई भी रियल मतलब रियल में कोई लाइव स्टडी कर रहे हैं या फिर हम कोई इमेज देख के 3D इमेज को देख के ड्रॉ कर रहे हैं, सो हम कोशिश करने लग जाते हैं ना कि हम उसको पूरा 3D वे में जो है ड्रॉ करने लगे. बट गाइज, हमको सबसे पहले मेन बात होती है कि हमें वहाँ पे उसकी आउटलाइन पर फोकस करना होता है. अगर आप पहले ही फर्स्ट स्टेप में ही परफेक्शन में चले जाओगे सो क्या हो जाता है, हमारी ड्राइंग उतनी परफेक्ट नहीं बन पाती, फिर हम लोग ड्रॉ अच्छे से नहीं कर पाते और छोड़ देते हैं. कई बार मैंने भी क्या ऑब्जर्व किया है कि जब भी मैं 3D पहले इमेज देखता था तो मेरा क्या था कि मैं 3D देख रहा हूँ कि यहाँ से ये राउंड है, तो सबसे पहले ही मैं परफेक्शन में कुछ यहाँ से शेड दे के राउंड करने लगा. बट सबसे पहले तो गाइज हमें मेन फोकस होता है हमारा आउटलाइन के ऊपर. अगर हम रियल में करें तो हमारे लिए ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, वही अगर हम किसी इमेज में देखकर अगर ड्रॉ कर रहे हैं हम किसी फोटो को, सो वहाँ पे हमें थोड़ा लाइन दिखती है तो हम अच्छे से ड्रॉ कर लेते हैं, फिर भी हमें जब वहाँ पे शेड दिखता है 3D इमेज दिख रही है सो हम उसमें परफेक्शन में जाने लगते हैं. तो सबसे पहले तो हमें क्या करना होता है गाइज, हमें सबसे पहले आउटलाइन इसके अंदर शेप्स को ढूंढना है, ठीक है. यहाँ पर शेप कौन कौन सी आ रही है, सपोज़ दैट अगर हम ऐसे देखें इसको, सो एक शेप यहाँ से एक लाइन, ये एक लाइन, ठीक है, एक ये और एक ये, सो यहाँ पे ना इस टाइप की कुछ लाइंस आ रही हैं, ये तो ये भी एक शेप आ गई. सो हमने इसके अंदर एक शेप देख लिए, ठीक है. अगर ये आप पहले से ड्रॉ करोगे तो आपको लग रहा होगा कि अरे ये तो सिंपल सा क्या बता रहा है, कि ये तो हमें भी पता है कि ऐसे शेप हो गए. बट मैं यहाँ पे उन लोगों के लिए बता रहा हूँ जो सीधा परफेक्शन में चले जाते हैं, जो उन्हें लगता है कि अरे 3D है, मतलब पहले से ही 3D
वे में जाने लगते हैं और 3D ड्रॉ करने लगते हैं। बट ऐसा गाइज नहीं है, सबसे पहले आपको आउटलाइन पे फोकस करना होगा, शेप प्रैक्टिस करनी होगी, ताकि जब भी आप कोई भी इमेज या कुछ भी ड्रॉ करो, चाहे वो रियल स्टडी करो, मतलब लाइव स्टडी करो, ठीक है, एंड या फिर आप कोई भी इमेज देख कर ड्रॉ कर रहे हो, सबसे पहले आपको उसके शेप, उसके अंदर क्या क्या शेप्स आ रही हैं, ठीक है, क्या उसके अंदर लाइन आउटलाइन है, सबसे पहले हमें उस पर फोकस करना होगा। इसलिए हम फर्स्ट हम आज सिर्फ प्रैक्टिस करने वाले हैं 2D इमेजेस शेप्स के ऊपर, ठीक है, फिर 2D के बाद 3D शेप्स के ऊपर जाएंगे। जैसा कि अगर हम और हमें फोकस क्या करना है, अब यहाँ पे मैं एक और बता दूँ, अगर हम लाइन प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो यहाँ पे मैंने मिस्टेक करी है, क्या किया मैंने इस तरीके से ऐसे किया, ठीक है। सो वो लाइन प्रैक्टिस आपकी किस तरीके से सही होगी वो हमने पहले वीडियोस अपलोड कर चुके हैं, उसमें आप जाके देख सकते हो और वहाँ पे सीख सकते हो। सो अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं गाइस, मैं थोड़ा वीडियो को फास्ट कर दिया है, उसके साथ मैं बताऊंगा। सो यहाँ पे हमें क्या प्रैक्टिस करना है, अभी तक मैंने बता दिया कि आपको कोई भी अपने आसपास ऑब्जेक्ट्स को देखना है एंड उससे आपको शेप्स ढूंढ रही हैं उस ऑब्जेक्ट्स के अंदर एंड उसको ड्रॉ करना है। यहाँ पर मैं कुछ 2D शेप्स ड्रॉ करके बता रहा हूँ। 2D और 3D आपको पता ही होगा गाइस, 3D यानी 3 डायमेंशनल और 2D में होता है 2 डायमेंशनल, ठीक है। सो यहाँ पे हम 2D शेप्स को मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। सो आपको कुछ इसी तरीके से ड्रॉ करते रहना है, शेप्स को प्रैक्टिस करना है ड्रॉ कर करके, एंड आप इस तरीके से कोई भी ऑब्जेक्ट्स को देखो और उसके अंदर की शेप्स को ढूंढो, कि आप उसको ऑब्जर्व करो अपने आईज से कि उसके अंदर कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स दिख रहे हैं, शेप्स दिख रही है ऑब्जेक्ट्स के अंदर, देन उसको आप ड्रॉ करो। यहाँ पे इसी तरीके से जैसे जरिए मैंने कहा 3D इमेज आप ड्रॉ करा, पहले अभी हमने 2 डायमेंशनल किया, 3 डायमेंशनल ड्रॉ किया मैंने। सो आपको इसी तरीके से 2D और 3D शेप्स को ड्रॉ करना है। आप ऑब्जर्व के लिए क्या कर सकते हो गाइस, इस तरीके से जैसे मैंने पहले ड्रॉ किया, ठीक है, आपको सेम वही ड्रॉ करो दोबारा, ठीक है, और कोशिश करो कि मैंने जो पहले ड्रॉ किया उसी को मैं सेम दोबारा से ड्रॉ करूं। सो आपको इसी तरीके से जो है ड्रॉ करना है। मैंने ट्राइंगल किया था, फिर उसके बाद मैंने क्यूब किया, अब मैं क्यूबॉइड कर रहा हूँ ड्रॉ। तो इसी तरीके से आपको स्ट्रेट लाइन के साथ प्रैक्टिस करना है। सो आई होप गाइस आपकी जो स्केचिंग है बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगी। तो इसी तरीके से आप 2D और 3D कोन, ठीक है, सबकी प्रैक्टिस करो एंड टू इम्प्रूव, ठीक है गाइस, कीप प्रैक्टिसिंग। सो जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।